बदायूं का किला फतह करने की तैयारी तेज। धर्मेंद्र यादव ने झोंक दी जीत के लिए पूरी ताकत। अखिलेश यादव की रैली करेगी संजीवनी का काम। पूरे बदायूं में सपा जीत के लिए लगा रही जोर। बीजेपी की हर तैयारी पर सपा की मजबूत चोट। देखिए कैसे की जा रही है जीत की तैयारी। क्या है बदायूं में धर्मेंद्र यादव का प्लान और कैसे अखिलेश यादव बदलने वाले हैं समीकरण। बदायूं के मशहूर गीतकार शकील बदायूनी जितने मशहूर थे उससे कहीं ज्यादा बदायूं की सियासत मशहूर होती जा रही है। बदायूं जिले में हर चुनाव में कुछ न कुछ चौंकाने वाला सियासी घटनाक्रम निकलकर सामने आता है और सियासी इतिहास का हिस्सा बन जाता है। जिस बदायूं में सपा को 2019 और 2017 में हार का सामना करना पड़ा था उसी बदायूं में अब सपा मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण और मजबूत कारक है पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव ने सपा की जीत को पक्का करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और पूरी ताकत के साथ वो चुनाव प्रचार में लगे हैं। लोकतंत्र के समर में योद्धाओं के बीच जोर आजमाइश चल रही है। सत्तारूढ़ दल बीजेपी बदायूं की 5 सीटों पर काबिज है और इस बार सभी 6 सीटों पर भगवा लहराने के लिए जोर लगा रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के प्रचार की कमान पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने संभाल रखी है। हर जगह प्रत्याशियों का समर्थन करने धर्मेंद्र यादव पहुंच रहे हैं। टिकट वितरण से फैले असंतोष को दूर करने के लिए दिन रात एक कर धर्मेंद्र यादव मेहनत कर रहे हैं। अब प्रचार के आखिरी दिन आ रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जनसभाओं से माहौल बदल जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी काबिज है लेकिन इस बार बीजेपी का सूफड़ा साफ करने का दावा धर्मेंद्र यादव कर रहे हैं। वहीं सपा की बढ़ती लोकप्रियता देख बीजेपी के सामने अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। इकलौती सपा की कब्जे वाली सीट सहसवान पर भी बीजेपी भगवा लहराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव की घोषणा से पहले ही बड़ी जनसभा करवा चुकी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह गलियों में जाकर वोट मांग चुके हैं। दूसरी ओर धर्मेंद्र यादव ने भी सपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जिले में डेरा डाल रखा है। धर्मेंद्र यादव एक दिन में 2-2 विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं। कहीं दिन में पहुंच रहे हैं तो कहीं शाम को जन समर्थन जुटा रहे हैं। हालांकि टिकट वितरण के दौरान हालात कुछ अलग थे लेकिन अब चुनावी माहौल बदलता जा रहा है। कहीं जातीय समीकरण बन रहे हैं तो कहीं हिंदू मुस्लिम का गणित बिठाया जा रहा है। धर्मेंद्र यादव का कहना है कि इस चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। चुनाव में राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे होते हैं लेकिन फैसला जनता जनार्दन करती है। जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, इतने ही विधायक चुने जाने का दावा सपा की तरफ से किया जा रहा है लेकिन चुनाव परिणाम को बड़े नेताओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इससे तय होगा कि आम जनता में इनकी कितनी पकड़ है, उनके प्रयास से कहां कितने वोटों में बढ़ोतरी हुई है। सर्द मौसम में चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है, चुनाव परिणाम ही तय करेंगे कि किसमें कितना दम है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 12 फरवरी को बदायूं में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनसे उम्मीद जताई जा रही है कि जो मजबूती सपा ने जिले में हासिल की है उसको दोगुनी ताकत मिलेगी और सपा अपने मिशन को और बेहतरी के साथ पूरा कर पाएगी। धर्मेंद्र यादव के अलावा सपा के तमाम नेताओं का दावा है कि जिले की पूरी सीटें सपा के खाते में जाएंगी और सपा इस बार बदायूं में क्लीन स्वीप कर बीजेपी को सत्ता से हटाने का काम करेगी। वहीं दावों के बीच लोगों को अब इंतजार कल होने वाली अखिलेश यादव की रैली का है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।